बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर सेवन को हम क्रैमर रूल से भी करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों से करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से करेंगे, फिर क्रैमर रूल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट सेवन, اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ये चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर सेवन। ठीक है, पार्ट नंबर सेवन तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट सेवन है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा है माइनस फाइव एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से करेंगे इसको, और वो अब मैंने बताया था कि यहाँ से सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएं इसको। हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, ये m के नाम से एक मैट्रिक्स बनेगा m, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास x एंड y का बनेगा, और तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा यही 4 और माइनस 10 का। तीन मैट्रिक्स बन गए, इसको हम m तसव्वुर करते हैं, यहाँ पे m लिखते हैं। x एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। ठीक है, अब डिवाइड m ऑन बोथ साइड, इसका क्या आता है? ठीक है, यहाँ पे m बाई m आ जाएगा, x एंड y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और m इन टू 4 और माइनस 10। ये m बाई, यहाँ m पर हमने डिवाइड किया पूरा, 1 और m आता है, इधर भी 1 और m इसके साथ लिखे हैं, तो ये m बाई m हो जाएगा ऑलरेडी, तो ये कट जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड m ऑन बोथ साइड हमने कर दिया है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास m बाई m जो है वो जिसमें कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है x एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर m और ये इज इक्वल टू 4 माइनस 10। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस 1 ऑलरेडी होता है, अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे हम तो किस तरह, अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे m इनवर्स हो जाएगा ये, और ये 4 माइनस 1 ओवर 10। इसी तरह तो m इनवर्स को पहले हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। m इनवर्स बराबर है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाय m डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले m मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है? m मैट्रिक्स वही सिंपली मैट्रिक्स जो हमने बनाया था, जिसको हमने m तसव्वुर किया था, यहाँ पे m मैट्रिक्स वही है। इसको दें, इसकी हम एडजॉइंट ऑफ m मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू हमारे पास आता है, एडजॉइंट ऑफ m हमारे पास चेंज ऑफ साइंस चेंज ऑफ प्लेसेस माइनस 2 और चेंज ऑफ साइंस, तो दूसरे में चेंज ऑफ साइंस आएगा। यहाँ पे
टू माइनस टू, और यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ साइंस फाइव और टू। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ एम आता है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ एम आगे, एडजॉइंट ऑफ एम में आगे अगर हम अब देखें, एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, एम इज इक्वल टू टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू। डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड ले लें, एम डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू। ठीक है, अभी एम 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 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आता है, टू इंटू माइनस टू माइनस माइनस टू इंटू माइनस फाइव, तो ये आता है माइनस फोर और माइनस टेन, तो ये आता है माइनस फोर्टीन। ठीक है, एम डिटरमिनेंट है माइनस फोर्टीन, एम डिटरमिनेंट माइनस फोर्टीन आता है। ठीक है, अब पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट द वैल्यूज। अब एम इनवर्स हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, इनवर्स को देखो, एडजॉइंट ऑफ एम डिटरमिनेंट बाय एम डिटरमिनेंट। इसमें वैल्यूज पुट करें, एम इनवर्स इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज हमारे पास आते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम हमारे पास आता है माइनस टू टू फाइव टू, और इसमें फोर्टीन माइनस फोर्टीन। ठीक है, माइनस फोर्टीन आता है। अब ये वाला जाके पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमारे पास क्या था, हमने लिखा हुआ था इक्वेशन वन, देखो हमारे पास था सबसे पहले एक्स एंड वाई, एम इनवर्स, और उसके बाद फोर माइनस टेन। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स एंड वाई, एम इनवर्स क्या आता है, एम इनवर्स का देखें, एम इनवर्स का एम इनवर्स है हमारे पास, एम इनवर्स की जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है वन ओवर माइनस फोर्टीन इंटू, ठीक है, वन ओवर माइनस फोर्टीन इंटू माइनस टू टू फाइव टू ये, और फोर माइनस टेन। आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस वन ओवर फोर्टीन। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें क्या आएगा, माइनस टू इंटू फोर प्लस टू इंटू माइनस टेन, टू इंटू माइनस टेन, और इसी तरह फाइव इंटू फोर प्लस टू इंटू माइनस टेन, तो ये इज इक्वल टू एक्स एंड वाई आता है, एक्स एंड वाई इसी तरह आ जाएगा, माइनस वन ओवर फोर्टीन आ जाएगा, और ये जो है माइनस एट और माइनस ट्वेंटी। ठीक है, और ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी, ठीक है, अब ये इज इक्वल टू एक्स एंड वाई आएगा, और ये माइनस वन ओवर फोर्टीन आएगा उसी तरह, और ये आएगा माइनस ट्वेंटी एट और ज़ीरो, माइनस ट्वेंटी एट और ज़ीरो आ जाएगा। तो अभी अंदर ये अप्लाई कर देंगे, वन ओवर फोर को अंदर अप्लाई करेंगे, किस तरह इसके अंदर इसको अप्लाई करें, अप्लाई करने से क्या आता है, ये एक्स एंड वाई इसी तरह आएगा उसकी ये, और अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी एट, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, और ट्वेंटी माइनस वन ओवर फोर्टीन अंदर अप्लाई होगा, इस माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी एट बाई फोर्टीन, और माइनस ज़ीरो बाई फोर्टीन। ऑलरेडी फोर्टीन वन्स आर क्या आता है, और फोर्टीन टूज आर, ठीक है,
तो x हमारे पास, देखिए आंसर हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, और y इज इक्वल टू 0, x एंड 2 y 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि अभी एक और क्वेश्चन भी करते हैं, ये जो है उसके बाद फिर हमारे पास जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो सिंपल क्रैमर रूल से शुरू होंगे, उसको क्रैमर रूल से अप्लाई करेंगे। इसी तरह अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, या इसी को इधर एंड करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।